कितना लेता है फाइन या टिकट, अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ है। वो अपना बैग फेंका टीटी के पास और भाग गया। मौत को छुके गुड मॉर्निंग एवरीवन, और डे 3 में आप सभी का स्वागत है। और अभी टाइम हो रहा है फिलहाल सुबह के 6 बज रहा है। हम लोग का ट्रेन है विशाखापट्टनम से हावड़ा, जो कि 8:30 बजे यहाँ से ट्रेन है 8:30 AM में। बट वो ट्रेन अनफॉर्चुनेटली 1 घंटा 16 मिनट लेट चल रहा है। और उससे भी बुरा बात ये है कि अभी भी हम लोग का टिकट कंफर्म नहीं हुआ। घर कैसे जाने समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भी हम लोग टोटल 9 आदमी थे, तो उसमें से 5 का कंफर्म भी नहीं हुआ। उन लोग का भी RAC में सीट पड़ा है और हम लोग का तो कंफर्म ही नहीं हुआ। फिलहाल मेरा तो कंफर्म नहीं हुआ 4 आदमी का, तो अभी सोच रहे कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। दिल दिमाग सही नहीं है, अभी क्या होगा नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी देखेंगे, भूख भी लगा हुआ है, कुछ नाश्ता वगैरह यहाँ से मिल जाता है तो देखते, नहीं मिलता तो स्टेशन पर जाएंगे नाश्ता करेंगे, तो वहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। ट्रेन में क्या होगा, शायद बाथरूम में जाना पड़े या फिर इधर उधर घूमना पड़ेगा, नहीं पता। कभी तो ऐसा हुआ नहीं यार, फर्स्ट टाइम मेरा ये जर्नी था ट्रेन का इतना लंबा, अरे ऐसा हो गया। तो देखते हैं क्या होता, नहीं होता फाइन देके जाना पड़ता है ना, और क्या सिचुएशन होता है। अगर आप लोग का साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ तो आप लोग भी कैसे हैंडल करेंगे नहीं करेंगे, वो भी आपको इस वीडियो पे पता चल जाएगा। तो बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे होटल के पीछे ही एक स्ट्रीट फूड का तरह के स्टॉल है, तो वहीं से अभी हमने इडली लिया है, जो कि 2 पीस इडली 20 रुपये दाम है। ये इडली है, यहाँ के सब खाना में ना आपको ना झाल मिलेगा, मतलब क्यों नहीं पता, हमको तो झाल ऐसा पसंद नहीं है, यहाँ पे सब खाना ही में झाल है। तो जो भी अभी ये हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। और ये है स्टॉल, यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। ये एकदम गर्मा गर्म अभी सब कुछ एकदम मिलता है, जो कि ये 35 रुपीज़ मसाला डोसा, और इडली 2 पीस 20 रुपये, और पूड़ी है 2 पीस 25 रुपीज़। ऐसा है, सब कुछ अच्छा है, काफ़ी भीड़ रहता है ये दुकान। अभी तो सुबह सुबह 6:30 बज रहा है, और जितना लेट होगा उतना ज़्यादा भीड़ होगा इस दुकान पे। यह है बादाम का कुछ है, तो ये 25 रुपीज़ करके मिलता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा ये, कहीं भी बहुत जगह ये मिलता है। तो ये एक बार ट्राई करके देखना, मतलब हर घूंट पे इतना बादाम आएगा ना मुँह में, हम लोग वहाँ पे तो इतना बादाम देगा नहीं जिंदगी में 25 रुपये में। ये एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ये रिकमेंड है मेरे तरफ से। तो हम लोग स्टेशन आ चुके हैं, और हम लोग होटल से स्टेशन का भाड़ा, ऑटो का भाड़ा 100 रुपीज़ लिया गया, 9 आदमी का 100 रुपीज़। ये अभी हम लोग स्टेशन आ चुके हैं, स्टेशन से अभी हम लोग का जो ट्रेन है वो 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे है ट्रेन के अनुसार, तो देखते हैं अभी 7 नंबर पे आता है ना कितने नंबर पे आता है। अभी भी तो परेशानी चालू है मेरा फिलहाल, मतलब टिकट तो कंफर्म हुआ नहीं है, देखते हैं क्या होता नहीं होता, कुछ तो समझ ही में नहीं आ रहा। तब मिलते हैं आपसे ट्रेन में, जर्नी में क्या होता है नहीं होता, TD से हम लोग का क्या बातचीत होता है, कितना लेता है फाइन या टिकट, अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ है, वैसा ही जाना ही होगा, देखते हैं क्या होता नहीं होता। तब तक आप वहाँ देखिए, वो पहाड़ दिखाई मिल रहा, बड़ा सा पहाड़ देखिए। ये हमारा ट्रेन 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, तो हम लोग का टिकट तो कंफर्म हुआ नहीं, अभी बहुत ज़्यादा परेशानी में। TT आएगा तो TT से बात करेंगे, कितना कितना लेगा नहीं लेगा आप लोगों को बताएंगे। अभी जितना हम लोग का मतलब दिया हुआ था, उन लोग जो 5 लोगों का भी टिकट कंफर्म हुआ था, उन लोगों को भी RAC में दे दिया, स्लीपर में भी नहीं दिया, और RAC में अभी हम लोग को भी एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। अभी देखें कितना रुपया चार्जेस मांगता है नहीं मांगता है। विशाखापट्टनम वाइजैक बाय बाय, ऑल पीपल विशाखापट्टनम से टाटा बाय बाय, फिर मुलाकात होगा। तो ट्रेन अभी फिलहाल दूसरा स्टेशन पे रुका है, नहीं पता स्टेशन का नाम क्या, दिखाई भी नहीं मिल रहा। बट TT ने बोला, TT से बात हुआ, TT ने बोला सामने एक स्टेशन है बहरामपुर मुर्शिदाबाद वाला, नहीं ऐसा ही कुछ एक प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिस्टेक हो रहा मुझसे, तो वही स्टेशन पे हम लोग को कंफर्म बताया जाएगा जो हम लोग का टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं। अगर कंफर्म हुआ है तो ठीक है, अगर वरना कंफर्म नहीं हुआ है तो TT को पैसा देना पड़ेगा, फ़ाइन वगैरह देके जाना पड़ेगा, यही कंफर्म हुआ है। तो आप लोग का भी अगर कंफर्म नहीं होता है तो आप लोग भी टेंशन मत लीजिएगा, ट्रेन में उठ जाइएगा और शॉर्ट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है। डबल 1 बिरयानी, बिरयानी हमको नहीं पता कैसा बिरयानी है, मतलब बिरयानी का चावल तो घर का चावल का तरह, और टेस्ट भी तो एकदम बेकार है, एकदम बेकार, मतलब बिरयानी का नाम से चावल और अंडा बोलेगा तो अच्छा ही है, अंडा चावल 50 रुपया बोला जाए तो वही सही है, एकदम फालतू है 50 रुपया। ट्रेन में अभी ये दाल बड़ा और 2 सिंघाड़ा, जो कि 1 प्लेट है 30 रुपया दाम है, आप कुछ भी चॉइस करके ले सकते हो, 3 पीस ही कुछ भी देगा 30 रुपया लेगा।
मोटा मोटी टेस्ट है, अच्छा है, मोटा मोटी है, 30 रुपये में। टाइम हो रहा है 9:02, खड़गपुर जंक्शन पे ही फिलहाल स्टेशन पे ट्रेन रुका हुआ है और अभी हम लोग लिया है जो कि 20 रुपया करके पूरी सब्जी मिला है हम लोग को, 7 पीस है उस पर। अभी दिखाएंगे आप लोगों को कैसे है ये, कुछ इस तरह का है देखने में, देख के तो और फ्रेग्रेंस से भी अच्छा ही लग रहा है। मतलब 7 पीस है, 30 रुपया दाम है, पूरी है और सब्जी है। अरे खड़गपुर स्टेशन जाने का टाइम, हम लोग का ट्रेन उस तरफ रुका था और अभी ये एकदम इस तरफ है। बहुत बड़ा स्टेशन है, हम घूर के देखा, बहुत बड़ा है। टाइम हो रहा है 11:13 और अभी ट्रेन रुक रहा है हावड़ा में। अभी हम लोग का तो टिकट कंफर्म हुआ था नहीं, जैसे वैसे ही आ गया, कोई फाइन वाइन कुछ नहीं दिया, टीटी भी कुछ नहीं बोली जो कुछ टिकट के बारे में या फाइन के बारे में, तो जैसा था वैसे चला है। अभी हावड़ा में क्या होता है स्टेशन में वो देखना है, वहाँ पर ही पकड़ता है कि नहीं। वहाँ से निकल गया तो मौत को छू के तक से वापस आ गया, बात ये। तो आप लोग ये मत आजमाइए क्योंकि सब टीटी एक जैसा नहीं होता, वो टीटी बहुत अच्छा था कुछ बोला नहीं, और दूसरा टीटी होगा तो वो एकदम चांस मान लेगा, तो आप लोग रिस्क मत लीजिएगा। तो देखिए चलिए हावड़ा में क्या होता है, नहीं होता देखते हैं। हावड़ा उतर गए हम लोग, हावड़ा में काफ़ी भीड़ है और अभी जा रहे हैं, देखिए कोशिश करते हैं सियालदह से अगर ट्रेन मिल जाता है घर के लिए, नहीं तो फिर ओला या उबेर करके जाना होगा। अभी हावड़ा में सब दौड़ रहा है, सब भी बहुत स्पीड में जा रहे, देखते अगर ट्रेन मिल जाता है सियालदह से। अल्लाह सियालदह से तो लास्ट ट्रेन 11:45 में शायद, देख यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन है, हम लोग का ग्रुप में अभी एक लड़का को गलत फैमिली हो गया है, टीटी पकड़ा था दूसरा कोई का, उस सोचा उसको पकड़ा है यार, वो बैग लेके इतना जोर का दौड़ा है, जिसको पकड़ा था ना फिलहाल वो तो अपना बैग ही फेंक के भाग गया, अपना बैग फेंका टीटी के पास और भाग गया। हम लोग को एकदम सामने से निकला, हम लोग को पकड़ा नहीं, मतलब अपना एकदम इतना कॉन्फिडेंस से निकला है जो पकड़ा ही नहीं है, कुछ नहीं किया हम लोग निकल गया। अभी रस्ते पे हम लोग जर्नी फ्री हो गया, मतलब डाउन वाला जर्नी जो था कमिंग वाला जर्नी वो फ्री हो गया, वो हम लोग का रिफंड हो जाएगा जो अमाउंट था। तो चलिए अभी मिलते हैं घर पे, जो होता है रास्ता में बहुत थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, अभी मिलते हैं डायरेक्टली घर पे। अभी तो फिलहाल रात का टाइम में बस मिलेगा नहीं और उसी कारण बहुत लेट हो गया था, तो हम लोग लास्ट ट्रेन भी छूट गया था, तो उसी के लिए अभी हम लोग उबेर किया है जो कि तकरीबन पड़ा है 550 रुपये करके। अभी उसी से घर जाएंगे, घर जाके फिर आराम करेंगे और कुछ नहीं, थक गए काफ़ी, थक चुके। अगर वेडिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो जाएंगे कैसे, अगर जाएंगे भी तो फिर फाइन, मतलब टीटी तो ऐसा है, मतलब आने के टाइम में हम देखा अगर वेडिंग टिकट है तो फाइन एकदम बंदा धरा हुआ है, एकदम लेगा लेगा बहुत लोग। और अगर तुम्हारे ओरिजिनल आधार कार्ड या कुछ, आधार कार्ड कॉपी चलेगा मगर अदर डॉक्यूमेंट्स अगर ओरिजिनल नहीं हुआ तो पैसा पॉकेट में भर के रखो क्योंकि टीटी को देना है। ये जो भी कुछ बात बोलूंगा एकदम गोल्डन टिप्स है, वाइजैक 2 दिन के लिए आ रहे हो तो मत आओ, हाथ में और भी टाइम लेके आओ क्योंकि पहला दिन जो दिन आप आओगे वो दिन तो होगा इतना लंबा जर्नी होगा, वो दिन आपका ऐसा ही बेकार हो जाएगा। आप होटल खोजते खोजते आपको टाइम मिल जाएगा और ये वीडियो देख रहे हो तो होटल खोजने में टाइम नहीं मिलेगा, अच्छा खासा गाइडलाइन मिल गया होगा आपको। अगर ये वीडियो से नहीं मिल रहा तो इसका पार्ट 1 भी है और भी अदर वीडियो, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हो। ऐसा एक जगह है जो दीघा पूरी या बहुत सारा और भी जगह है वैसा जगह नहीं है, ये एक प्रीमियम जगह है। मतलब अगर पॉकेट, सीधा बात बोलो तो रफ लैंग्वेज में, अगर पॉकेट गर्म है तभी आओ वरना वाइजक मत आओ। बीच का फ्रंट में अगर लेना है होटल तो एक दिन का आपको पेमेंट करना होगा कम से कम तो 6,000 से 7,000 रुपया एक दिन का पेमेंट करना होगा आपको। और अगर हम लोग अभी जिस होटल पे है, मतलब आप समझ सकते हो 2 दिन का इतना अच्छा होटल का लगा है 4,600 रुपीज। और यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन काफी अलग है, दीघा वीघा से जहाँ से भी आप हो वहाँ से काफी अलग है। यहाँ जो भी कुछ खाओ अगर कहीं ऐसा फेंक दिया तो उसका फाइन, रास्ता में चलते हुए किसी को अगर छेड़ दिया समझ लो किसका बात कर रहे, उसके लिए भी अलग, मतलब फुल्ली एकदम अलग है यहाँ का जो भी रूल्स है। यहाँ का सरकार बहुत अच्छा है, रोड वगैरह कुछ गंदा नहीं है, सब कुछ एकदम अच्छा, मतलब लगेगा नहीं है जो ये इंडिया, ये लगेगा दुबई है या कुछ अनदर कंट्री है। तो इस सब चीज़ का आपको एकदम ख्याल रखना होगा नहीं तो आप यहाँ पे आके फंस जाएंगे। सब बात रहेगा वो सब आपको वीडियो, दूसरा वीडियो देखने से पता चलेगा, दूसरा वीडियो को भी जाके आप लोग वॉच कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Thank you.